वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो मॉड्यूल वाले स्विच प्लेट को लकड़ी के बोर्ड पे कैसे फिक्स करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि मिट्टी के घर में हम ये इस टाइप का जो जीआई बॉक्स होता है इसे फिट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अंडरग्राउंड की वायरिंग के लिए होता है, ये पक्के मकानों के लिए होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि इस तरह की स्टाइलिश बोर्ड को हम कैसे अपने घर पर फिट कर सकते हैं, उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक प्लायर और अपना एक लाइन टेस्टर। सो गाइज, इसके लिए हमें एक बोर्ड लेना पड़ेगा और बोर्ड को इस हिसाब से काटना पड़ेगा और फिर हमें इस बोर्ड पे इसे फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइज, आप देख सकते हो कि ये कितना बढ़िया लग रहा है। आप मिट्टी के घर में इसे अटैच कर सकते हो और ये बहुत अच्छा है कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज, हम इसको फिट करके इसकी वायरिंग आपको दिखाते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हो कि फिटिंग करने के बाद ही कितना अच्छा लग रहा है इस वुडन बोर्ड के ऊपर। और आप देख सकते हो कि इसकी अगर हम वायरिंग की बात करें तो ओनली इसमें फेस की वायरिंग हम डाल दिए हैं, उसके बाद इसको मेन लाइन से जोड़ के इसको सप्लाई दे के चालू करेंगे। ज़्यादातर ये वाली जो बोर्ड होती है वो फ्रिज, कूलर और हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। फ़ोन चार्जर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको सेपरेट लगाया जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऑपरेटिंग के लिए ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जैसे फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए। सो गाइस, बोर्ड तो लग गया अपने वुडन बोर्ड के ऊपर। उसके बाद फिर हम इसका मॉड्यूलर प्लेट लगाएंगे जो कि ये है, और इसमें हम ड्रिल करके अभी स्क्रू भी डालने वाले हैं ताकि ये परफेक्ट टाइट हो जाए। तो हम ये बोर्ड लगाएंगे अपना ऊपर वाला, इसको फिट करेंगे। ये हो गया फिट। सो गाइस, आप इसको फाइनल लुक देने के लिए रेडी हो जाएं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये जो कि हम अपने मिट्टी के दीवारों पर इसे सेट कर सकते हैं ड्रिल करके या कीले के साथ। सो गाइस, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।